हाय, मैं सिमरन। स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। एक दिन अनीश अपनी बहुत ही महंगी और सुंदर कार में ऑफिस गया। ऑफिस की पार्किंग में वह कार खड़ी देख उसका मित्र अंकित उस कार की सुंदरता देखते ही आश्चर्यचकित रह गया। अनीश को आता देख उसके मित्र अंकित ने उससे यह पूछा कि क्या ये कार उसकी थी। जिस बात पर अनीश ने अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहा, अनीश ने अंकित को बताया कि यह सुंदर कार उसे उसके भाई ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट की है। अंकित के चेहरे पर आश्चर्य देखकर अनीश को लगा कि अंकित को भी ऐसे ही भाई की चाह है। इसके बाद अंकित ने अनीश से पूछा कि क्या अनीश उसे अपनी नई कार में बैठाकर घुमाएगा। अनीश ने बड़ी खुशी के साथ अंकित को अपनी नई कार में बिठाया और वह दोनों घूमने निकल गए। थोड़ी देर घूमने के बाद अंकित ने अनीश से एक और सवाल किया कि क्या अनीश अपनी नई कार लेकर उसके घर के पास आ सकता है। जिस बात पर अनीश तैयार हो गया और वे अपनी नई कार लेकर अंकित के घर की ओर चल पड़ा। घर की ओर जाते हुए अनीश ने मन ही मन यह सोचा कि शायद अंकित अपने आस पड़ोस के लोगों को यह दिखाना चाहता था कि वह एक इतनी महंगी कार में भी सफर कर सकता है। घर के सामने पहुंचते ही अंकित ने गाड़ी रुकवाई और वह दौड़कर अपने घर के अंदर गया। वह कमरे में से अपने विकलांग भाई को बाहर ले आया। कार को देखते ही अंकित का भाई आश्चर्यचकित हो गया। वह खुशी से झूम उठा। यह देखते ही अंकित ने अपने भाई से कहा कि वह अपने भाई को उसके बर्थडे पर एक ऐसी ही महंगी कार गिफ्ट करेगा। अनीश अंकित और उसके भाई का प्रेम देखकर भावुक हो गया। यह देख उसने अंकित और अंकित के भाई को अपनी कार में बिठाया और उन्हें घुमाने ले गया। इसी प्रकार अगर हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके तो उससे बड़ा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता।